Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of Python programming and this is day 5. आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन कैसे करना है. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूजर से इनपुट लेना और अगले वीडियो में हम सीखेंगे टाइप कन्वर्जन कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगर आपने पहले कभी भी प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि यूजर से इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. एक होता है स्टैटिक सॉफ्टवेयर, जहां पर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर से सिर्फ यूनिडायरेक्शनल तरीके से बात करता है. मतलब सॉफ्टवेयर आपसे बात करता है, आप पलट कर सॉफ्टवेयर से बात नहीं कर सकते. इसका एग्जांपल है आई डोंट नो क्लॉक, जहां पे आप बस टाइम देखते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलार्म. कैलेंडर, जहां पे आप सिर्फ डे देख रहे हो या डेट देख रहे हो. आपके कॉलेज की वेबसाइट, मोस्टली सरकारी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इन सभी जगहों पे सॉफ्टवेयर आपसे बात कर रहा है, बट आप पलट करके कोई इनपुट नहीं दे रहे, आप सॉफ्टवेयर से बात नहीं कर रहे. इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को स्टैटिक सॉफ्टवेयर बोला जाता है. ठीक है, देन देयर इज अ सेपरेट क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको हम डायनामिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं. और डायनामिक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जहां पे आप सॉफ्टवेयर से बात करते हो और पलट के सॉफ्टवेयर आपसे बात करता है. ठीक है, आज की डेट में मोस्टली जो भी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स आप यूज कर रहे हो वो सारे एग्जांपल्स हैं डायनामिक सॉफ्टवेयर्स के. अगर आप एग्जांपल लो, यूट्यूब एक डायनामिक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप सर्च करते हो, जो आप सर्च करते हो वही रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं. आप कमेंट टाइप कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, राइट, आप शेयर कर सकते हो. सिमिलरली व्हाट्सएप, आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे हो, दैट इज अगेन अ वे ऑफ टॉकिंग टू द सॉफ्टवेयर, राइट. अगर आप स्विगी पे खाना बुक कर रहे हो तो आप अपना एड्रेस बता रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो मुझे ये खाना खाना है, ये सब कुछ आप बात कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के साथ. तो ये डायनामिक सॉफ्टवेयर होता है. सो आई गेस आप एक बार अगर सोचो तो आपको समझ में आएगा कि 99% ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज टुडे दे आर मोस्टली डायनामिक सॉफ्टवेयर. ठीक है, और डायनामिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपको यूजर से इनपुट लेना होगा, क्योंकि अगर यूजर इनपुट नहीं देगा डायनेमिक सॉफ्टवेयर बन नहीं सकता. दैट इज वाई कभी भी अगर आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करो, जावा, C++, PHP, Python, उन सभी में मैकेनिज्म दिया गया है कि प्रोग्रामर यूजर से इनपुट ले सकता है. ठीक है, अगर आप C का बात करो तो वहां पे scanf था. अगर आप C++ का बात करो तो वहां cin था. अगर आप जावा का बात करो तो वहां systemin था. सो हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये फंक्शनैलिटी मिलता है कि आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, और सेम चीज आपको पाइथन में भी मिला हुआ है. सो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको हम इनपुट बोलते हैं. इनपुट नाम बिल्कुल वैसा ही जैसा काम है. अब अगर आप इसको, इस सेल को रन करो तो यू वुड सी आपके स्क्रीन पर एक इनपुट बॉक्स अपीयर कर रहा है और एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है जो आपको बोल रहा है टाइप करने. सो यूजर ने टाइप किया 56, एंटर मारा और 56 प्रोग्रामर को मिल गया. ठीक है, इतना सिंपल है पाइथन में, कोई नखरा नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, अब ऑब्वियसली इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है. ये देखो, अगर मैं इसको फिर से चलाऊं तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यूजर को बोल रहा है टाइप करो, बट क्या टाइप करो मुझे नहीं समझ में आ रहा. एज ए यूजर, अगर मुझे स्क्रीन पर ये यूजर इनपुट बॉक्स दिखाई देगा तो मुझे क्या पता कि मुझे यहाँ पे ईमेल टाइप करना है, नेम टाइप करना है, एज टाइप करना है. सो इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप सिंपली इनपुट फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर दो. अ बेटर अप्रोच इज, अगर आप शिफ्ट टैप करके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. मैं एक बार बंद कर रहा हूं, ये रीस्टार्ट कर रहा हूं कर्नल. सो अगर आप एक बार शिफ्ट टैप करके इसके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में जाओ तो आपको दिखाई देगा यहां पर एक इनपुट है प्रॉम्प्ट बोल के. सो ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आप एक स्ट्रिंग भेजोगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नन रहता है, अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग भेजोगे तो आपके यूजर को वो स्ट्रिंग एज इट इज दिखाई देगा. जैसे अगर आपने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम बता, लाइक दिस, और अब अगर आप शिफ्ट एंटर मारोगे, रन करोगे अपने कोड को, तो अब यूजर को दिखाई दे रहा है कि प्रोग्रामर उसको बोल रहा है नाम बताने के लिए. तो नाउ दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली हेल्पफुल, और अब वो अपना नाम जब टाइप कर सकता है तो आपको, प्रोग्रामर को, वो इनपुट मिल जाएगा. ठीक है, सो मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि आपको यहां पे प्रॉम्प्ट में, दिस इज द कंप्लीट सिंटेक्स, बट ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली भी स्ट्रिंग डाल सकते हो. बट कभी भी अगर आप यूजर से इनपुट लो, हमेशा मेक श्योर करो कि आप उसको बताओ कि आप उससे क्या इनपुट डिमांड कर रहे हो. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मतलब ये हम अब थ्रू आउट द कोर्स यूज करेंगे इनपुट फंक्शन को, जस्ट लाइक प्रिंट फंक्शन. ये बिल्ट इन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हर जगह यूज करते हो. अब हम एक काम करते हैं, हम लोगों ने इतना पाइथन सीख लिया कि हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं
जहां पे हम यूजर से दो नंबर्स लेकर के उनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट प्रिंट कराएं, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे कोई हेडर फाइल्स आपको इंपोर्ट नहीं करनी, कोई वॉइड मेन नहीं है, तो आपका पहला काम क्या होगा, आप यूजर से इनपुट लोगे और वो होगा एंटर द फर्स्ट नंबर, और जो भी यूजर देगा उसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा बाय द नेम ऑफ फर्स्ट अंडरस्कोर नम, ठीक है। हमेशा आपको डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स रखने चाहिए क्योंकि रीडेबिलिटी बढ़ता है कोड का, टीम में जब आप काम करते हो तो इस तरह की चीजें आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। अगर मैं सेल को रन कर दूं, अब देखो मुझसे पूछा जा रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 56, एंटर द सेकेंड नंबर मैंने बोला 76, और एंटर मारा, अब मेरे पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं। सो अगर मैं यहां पे लिखूं फर्स्ट नम और अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं, और सिमिलरली अगर मैं प्रिंट कर दूं सेकेंड नम को, तो यू कैन सी मेरे पास 56 और 76 है, ठीक है। अब मुझे बस सिंपली क्या करना है, मुझे कोड लिखना है कि रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर नम प्लस सेकेंड अंडरस्कोर नम, नाउ आई हैव टू प्रिंट वॉट एवर इज इनसाइड रिजल्ट, और मैंने रन किया एंड गाइस दिस इज माय आउटपुट 5676। अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि गड़बड़ हो गया कुछ, आउटपुट कुछ और होना चाहिए था, 5676 क्यों आ रहा है। सो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मैथमेटिकली ये दोनों नंबर्स ऐड नहीं हुए हैं, लिटरली ऐड हो गए। मतलब क्यों हुआ है, अगर आप सोचो तो आपको समझ में आएगा। उसका रीजन ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनपुट फंक्शन की, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इनपुट फंक्शन से यूजर जब भी इनपुट देता है वो इनपुट प्रोग्रामर के पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हो यूजिंग द इनपुट फंक्शन, यूजर का इनपुट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इनपुट लेने का, मतलब आपको किसी डेटा टाइप में तो लेना ही था इसको। अब सोच के देखो कि पाइथन ने क्यों ऐसा सोचा कि हमें स्ट्रिंग में लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि स्ट्रिंग इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, ठीक है। आपका यूजर अगर आपको नंबर दे रहा है आप उसको भी स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, अगर वो टेक्स्ट दे रहा है आप उसको भी स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, अगर वो बूलियन दे रहा है उसको भी आप टेक्स्ट या स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। अगर आपने मान लो कि आपने ये डिसाइड किया होता कि यूजर इनपुट से जो भी मेरे पास आएगा वो इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा, तो प्रॉब्लम क्या होता कि कल को अगर यूजर से आप टेक्स्ट ले रहे होते तो टेक्स्ट को आप इंटीजर में कैसे स्टोर करते। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्यों पाइथन जिन लोगों ने बनाया उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनपुट का आउटपुट जो प्रोग्रामर को मिलता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट विच कैन होल्ड अदर डेटा टाइप्स। इसका उल्टा ट्रू नहीं है। आप कोलकाता को स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो बट आप कोलकाता को इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। आप 5 को इंटीजर में स्टोर कर सकते हो और आप 5 को स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो बिकॉज स्ट्रिंग इज अ यूनिवर्सल फॉर्मेट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको चीजें मिल रही हैं। आप एक्चुअली ये पता कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि आपके पास किसी वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप है वो क्या है। अगर आपको ये पता करना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप फंक्शन। सो अगर आप कभी टाइप के अंदर कुछ भी डालो, जैसे कि आपने 4 डाला तो वो बता देगा कि 4 का टाइप क्या है, डेटा टाइप इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे 4.5 डालता तो फ्लोट आता, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर 4 डालता तो स्ट्रिंग आता, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डालता तो बूल आता, अगर मैं यहाँ पे 6+7j डालता तो कॉम्प्लेक्स आता, और एक लास्ट में आपको दिखाता हूं अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट डालता तो लिस्ट आता। तो ये टाइप फंक्शन बहुत काम का है, आगे भी हम इसको बहुत यूज करेंगे। इसका काम होता है कि आप इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज डालोगे टाइप फंक्शन उसका डेटा टाइप आपको बता देगा। सो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टू सी कि मैं जो आपको बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नम वेरिएबल को यहां पे भेज रहा हूं और इसको रन कर रहा हूं, एंड यू कैन सी ऑल्दो फर्स्ट नंबर के अंदर एक नंबर है 56, बट उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, एंड यू कैन सी दैट उसके सामने इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा प्रोग्राम तो काम नहीं करेगा ठीक से, क्योंकि हमारा लॉजिक है प्लस करना, और ये प्लस करने से अगर आप दो स्ट्रिंग्स को प्रेस करो
तो रादर देन मैथमेटिकल एडिशन कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब कोलकाता मुंबई जोड़ोगे तो कोलकाता मुंबई बन जाएगा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, आपको एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन।